देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हो, सारा का सारा क्या है सर, लाइक टर्म है, सारा का सारा लाइक टर्म है, तो आपको क्या बोले जो निगेटिव है उसको एक साथ करो, तो ई भी निगेटिव एक जगह है सर, ई भी निगेटिव एक जगह है। तो मान लो बाबू 123.657 है माइनस 322.5567 है ना, मान लो थोड़ा देर के लिए ये वाला टर्म नहीं होता, ये वाला टर्म नहीं होता, ये एक्स के पावर हमको डराने के लिए जो दे दिया, ये नहीं होता, ये आपके जिंदगी में लाइफ में नहीं होता, तो एलकेजी का क्वेश्चन बन जाता। तो वेरिएबल अटैच करने का थोड़ी बाबू की थर्ड क्लास का क्वेश्चन है, तो इसको सिंपली कैसे करते सर, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो दोनों जब निगेटिव हो तो उसको सिंपली ऐड कर दो, दोनों जब निगेटिव है तो सिंपली इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 7 और 7 कितना सर 14 सर, 6 प्लस 7 7 14 सर कैरी 1 सर, 6 प्लस 5 11 सर कैरी 1 12 सर, यहाँ से कैरी फिर 1 सर, थर्ड डिजिट, यहाँ से डिजिट भी करते चलो, ये 7 का काम हो गया सर, 6 का काम हो गया सर, 5 का काम हो गया, यहाँ से 5 अब 5 प्लस 6 सर 11 सर, कैरी 1 सर 12 सर, है ना कैरी 1 हो गया, इसका भी थर्ड डिजिट काम हो गया, फोर्थ डिजिट का 1 सर, 1 प्लस 3 4 सर, कैरी 1 सर, तो 5 सर, इसका भी काम मेरा हो गया सर। नेक्स्ट बाबू 2 सर, 2 प्लस 2 4 सर, कैरी नहीं था तो नहीं था तो लिखो। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट इसका भी काम हो गया सर, 3 सर और 1 सर, तो 3 प्लस 1 कितना सर 4 सर, ये आ गया। और सर निगेटिव है, दोनों निगेटिव है सर, तो माइनस साइन क्या देंगे सर, निगेटिव देंगे, एल के जीनियन तो करना है, कुछ करना है बाबू बताओ, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये माइनस दे देंगे, दोनों निगेटिव का रिजल्ट माइनस दे देंगे, तो यही था। चलो ठीक है मानते फादर के लिए यही था, यहाँ नहीं कुछ है सर तो क्या 1 है, किसी भी वेरिएबल के आगे नहीं नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है बाबू, तो यहाँ 1 है सर, यहाँ 3 है सर, तो 3 प्लस 1 कितना होता है सर, बचपने में मम्मी पढ़ाई है 3 प्लस 1 4 होता है सर, इसमें कौन सा बड़ा बात है, ये x के पावर 10 है, x को तो लिखेंगे लिखेंगे, x के पावर 10 है, y के पावर 10 है, z के पावर 10 है। अब बाबू मान लो ये आपकी जिंदगी में ना होता, अच्छा ठीक है, ये आपके जिंदगी में अगर वेरिएबल नहीं होता तो एलकेजी का क्वेश्चन बन जाता, कितना बाबू यहाँ डेसिमल कई डिजिट के बाद देंगे, यहाँ डेसिमल दो ना, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं। अब ये एक पॉजिटिव नंबर सर, एक नेगेटिव नंबर सर, तो जब भी एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर सर, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा सर, तो बड़का नंबर को माइनस आएगा, बड़का नंबर ये है बाबू, अरे ठीक है बाबू ठीक है बोलने, बड़का नंबर ये है सर, अब बड़का नंबर ये है सर, तो बड़ा नंबर के आगे साइन क्या है सर, निगेटिव है, तो रिजल्ट का साइन क्या है, निगेटिव है। अब इसको सबट्रैक्ट करो, 445.224 में बाबू 4 को सबट्रैक्ट करो, तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट बना दो, तो जब सबट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 224 रह जाएगा ना बाबू, और 445 में 4 अगर सबट्रैक्ट करो बाबू तो 441 हो जाएगा, 441 हो जाएगा, अरे सर 445 में 4 सबट्रैक्ट करो ना, सबट्रैक्ट क्यों करो सर, क्योंकि वो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, तो सबट्रैक्ट होगा, साइन कौन आएगा, तो बड़का नंबर का साइन, बड़का नंबर 445 है सर, इसका साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आया। डेसिमल कहाँ देंगे, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ 1 2 3 डिजिट के बाद, तो एक्चुअल रिजल्ट तो यही हुआ, लेकिन इसके साथ कौन था, वो भूत अटैच था, उस भूत को खाली बांध के रख ले रहना, तो यहाँ पे भूत क्या था, x के पावर 10 था, y के पावर 10 था, z के पावर 10 था, यही एगो शैतान था, इसको लेके चलो, यही था। तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे बाबू इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, x के पावर 10, y के पावर 10, z के पावर 10 आ जाएगा, यहाँ भी वही आ जाएगा, x के पावर 10, y के पावर 10, z के पावर 10, तो यहाँ भी वही आ जाएगा, x के पावर 10, y के पावर 10, z के पावर 10। अब थोड़ी रॉकेट साइंस है, एलकेजी का चीज है ना जी, डायरेक्ट टीचर स्कूल में सर मेरा करेक्ट आया, मेरा भी करेक्ट आया, स्कूल में हमको बताने के रहता था, जानते कैसे बताते हैं, डायरेक्ट आए सीधे जाम, ये सब कुछ नहीं, देखो ऐसे होगा बस फाइनल रिजल्ट, सोचने वाला खुद सोचते रहो, जो पढ़ने में तेज रहेगा ग्रैब करेगा, नहीं तेज रहेगा और डल हो जाएगा, इतना मेहनत हम स्कूल में नहीं करते बाबू जितना आप लोग करते, इतना मेहनत, जल्दी लिखे बना लिया तो ठीक है, चलो आगे आगे बाबू, ऊपर वाला मिटा दीजिए सर, DIY, अच्छा ठीक है, तो कहाँ गलत किया था सौरभ, सर मल्टीप्लिकेशन कर दिया था सर गलत, क्वेश्चन उतारना,
हाथ हमेशा यही करोगे ना, ज्यादा बाबू बोलने से यही होता है, कंसंट्रेशन लाइक हो जाता है। हमको वहाँ पे 3 लगा था सर। हाँ तो आपको लगने से नहीं होगा शैतान बाबू। तो इसमें हम लोग सारा टाइप कर लिया, बचा क्या सर? तो सब चीज हो ही गया बाबू, है ना? तीन को दे देते बाबू कीजिए। सर डेसिमल का फ्रैक्शन सर। अरे शैतान, डेसिमल का फ्रैक्शन बाबू कभी होगा ही नहीं। वही कहा नहीं होगा बाबू डेसिमल का, अगर फ्रैक्शन नहीं तो फिर डिवीजन कराएगा तब ना होगा काम का। अरे शैतान शांत रहो ना, ऐसे करके ना होगा बाबू, बताओ। यस सर ऐसे होता है। तो इसको बाबू डेसिमल का ही फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या करो, इसका डेसिमल हटा दो तो यहाँ वो जीरो पुट कर दो, फ्रैक्शन हो जाएगा। तो डेसिमल का फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो फिर फ्रैक्शन वाला आ जाएगा। सर छोड़ दीजिए। अरे शैतान छोड़ेंगे कैसे, 88 नंबर 78 नंबर ये सब करके लाना। अच्छा एक डेसिमल, हाँ बाबू करके लाना, एक डेसिमल वाला करवा दीजिए तो सर। अच्छा ठीक है, 673 बाबू पी क्यू आर माइनस बाबू 673.123 आर पी क्यू माइनस पी क्यू आर माइनस आर पी क्यू प्लस 2PQR 1, 2, 3 पॉइंट बाबू 3, 2 अपॉन 0 पॉइंट बाबू 1, 2 ये हो गया x के पावर 10 प्लस बाबू सर दो ही दीजिए। अच्छा ठीक है 0.1 बाबू x के पावर 10 माइनस बाबू 0.123 x के पावर 10 सर। और एक आखिरी दे दीजिए सर, पॉइंट के पहले जितना नंबर है उतना जीरो लिखाएगा सर। दिमाग लगाइए, भाई से पूछिए। दिमाग लगाइए, क्विज कंपटीशन हुआ था। अच्छा ठीक है बाबू, क्लास में क्लास के बात करेंगे ना, बाकी जो भी एक्स्ट्रा गप करना है कॉल करके करो, ठीक है ना? क्लास डिस्टर्ब होता है क्योंकि बहुत सारे के पेरेंट्स भी पढ़ते हैं बाबू, आप ना खाली अकेले पढ़ रहे हैं, बहुत सारे के मम्मी पापा भी बैठ के पढ़ते हैं। उत्कर्ष के देखो मम्मी पापा बैठे हुए होंगे, तो ज्यादा शोरगुल होने से ना कंप्लेन आता ना। हाँ बाबू वह बोलता ही है सर, सही बात भी है। 1 पॉइंट बाबू 3 पी के पावर 10 माइनस पी 10 डरना है, डरना नहीं है, ये सब कहाँ पढ़ना है, सब एलकेजी यूकेजी में। आपके टीचर आपको नहीं पढ़ा तो हम क्या करें, 5 में आते आते बाबू आप लोग का लेवल कम से कम इतना हाई हो जाना चाहिए। मेरे यहाँ बच्चे जो 4 से ज्वाइन कर लेता है वो 6 में जाते जाते बाबू बहुत आगे बढ़ जाएगा। 2 साल का लगभग आपका पैकेज है ना। 80 क्वेश्चन नंबर में 49.73 हाँ 73 है। इसमें एक 2-3 गो का दिक्कत हो रहा है, एक उत्कर्ष है, एक स्वाति बाबू है ना। एक मेरा क्या है ले। चलो ठीक है, इसको करके लाइएगा शैतान मेरे, जिसको जिसको दिक्कत है पूछ लो। इस बार डैडी को बोलूंगा सर वो 99-80 नंबर का पहले में क्या, 80 नंबर का पहले में 99.73 है सर। अरे 49 है शैतान मेरे, 99 नहीं, 49 है। आउटकर्स क्या बोल रहे थे चुपके से बाबू? ठीक थोड़ा क्लियर हो गया। अच्छा थोड़ा क्लियर हुआ, अभी पापा को बोलेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ कहा है उत्कर्ष, लिखो 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 शैतान।
लिखे सर, हमने ग्राउंड स्कूल का बनाया।